हाय एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली रिफाइनरी डिवीजन इतनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ जो कि रिक्रूटमेंट आया, तो उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन लेवल के बारे में बात करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन रिटन टेस्ट में जो कि कितना आता है, तो ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा इजी वे में और जो भी बताऊंगा विद फैक्ट एंड विद एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं बता रहा दोस्तों कि यदि आपको कहे कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइडेड करा दूँ, तो ये प्रीवियस ईयर अपना पेपर जो है कि रिटर्न, जैसे रिटर्न एग्जाम होता है वो IUCL वाले अपना जो है कि पेपर वो ले लेते हैं, तो ये इसका जो है कि IUCL का जितने भी रिफाइनरी हो चाहे मार्केटिंग हो, तो इसका ये लोग पेपर आउट नहीं करते हैं, पेपर देते नहीं एग्जाम के बाद, वो लोग पेपर होने के बाद जो है कि एग्जाम होने के बाद पेपर ले लेते हैं। और मैं बताऊँ दोस्तों कि यदि आप रिफाइनरी डिवीजन से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, यदि एलिजिबल हैं, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद से आप क्या कीजिए कि हार्ड कॉपी आप अवश्य भेजिएगा, ये मैंडेटरी एकदम कंपलसरी है। और जिस डिवीजन से आप भरेंगे, जिस जगह से भरेंगे, उसी के HR डिपार्टमेंट में आपको भेजना रहता है, नोटिफिकेशन में उसका वेन्यू दिया रहेगा, उसी वेन्यू पर आप जो है कि अवश्य इसको भेज दीजिएगा, अदरवाइज इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा अप्लाई भी करने के बाद भी। तो मैं बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं, तो क्वेश्चन पैटर्न देखा जाए तो केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए रिटन टेस्ट में, तो केवल 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन ना कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा, केवल 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 60% यानी 60 नंबर का जो है कि 16 क्वेश्चन जो है कि केवल टेक्निकल डिसिप्लिन पोर्शन से रहेगा, जो भी आपका डिप्लोमा है, जो भी जिस डिसिप्लिन में आप डिप्लोमा किए हैं, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, तो 60 क्वेश्चन केवल आपके डिसिप्लिन से रहेगा और 40 क्वेश्चन जो है कि नॉन टेक्निकल पोर्शन से रहेगा, जिसे नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या होता है, एप्टीट्यूड आ जाता है, GK आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है और जो है कि रीजनिंग आ जाती है, इसमें इंग्लिश नहीं रहता है। रिफाइनरी डिवीजन परमानेंट का जो भी एग्जाम होता है इसमें इंग्लिश नहीं रहता है, अप्रेंटिसशिप का एग्जाम होता है उसमें रहता है, तो इसमें इंग्लिश जो है कि नहीं रहता है, केवल 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में जो है कि जो मैं बताया एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK और करंट अफेयर, और 60 क्वेश्चन आपका जो है कि टेक्निकल डिसिप्लिन से रहेगा, जो भी डिप्लोमा जिस कैटेगरी में आप किए हैं। तो मैं बताओ दोस्तों कि इसका क्वेश्चन लेवल देखा जाए, तो क्वेश्चन लेवल में आपको एकदम फैक्ट एंड विद फैक्ट एंड विद एक्सपीरियंस के साथ में बता दूं कि मैं दो दो तीन तीन हाली बार जो कि दो दो तीन तीन बार में एग्जाम दिया हूँ IUCL रिफाइनरी डिवीजन का। तो मैं बताओ दोस्तों कि इसमें केवल मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, ना ही आपको जाकर न्यूमेरिकल वैल्यू ना कि जो कि आपको जैसे डाटा वैल्यू, केवल जो कि मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा अपने डिसिप्लिन के रहेगा, और आपके डिसिप्लिन से ये नहीं कि BE BTECH का और AE का जो है कि क्वेश्चन इसमें पुट अप किया जाता है, केवल आप नॉर्मल क्वेश्चन फेस करके जा रहे हैं, यानी कि आप नॉर्मल की ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप नॉर्मल पढ़ के जाए, कि मतलब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और जो है कि जो SSC JEE का देखा जाए तो SSC JEE का जो लेवल रहता है प्री वाला, तो उसी में जो है कि SSC JEE का उतना ही मॉडरेट क्वेश्चन लेवल रहता है, उसके अलावा जो है कि उससे हार्ड नहीं रहता है, तो ये कुछ क्वेश्चन लेवल